देश और दुनिया इस वक्त जिस स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रही है उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है, खासकर भारत को। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले से ही सुस्ती झेल रही थी वो अब और भी गर्त में जाती नजर आ रही है, जिसे लेकर अब जो अनुमान रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने लगाया है वो मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाने वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गर्त में जाती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। सरकार को उम्मीद थी कि इससे इकोनॉमी को तेजी मिलेगी, लेकिन विपक्ष के साथ तमाम रेटिंग एजेंसियों ने इस पैकेज को नाकाफी बताया, जिसके बाद अब अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार कम नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जाहिर किया है जो वाकई चौंकाने वाला है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच ने कहा, भारत में काफी सख्त पूर्णबंदी की नीति लागू की गई है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबे खिंच गए हैं। जो आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। फिच ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों अप्रैल जून और जुलाई सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर 2.7% और 12.4% की गिरावट आएगी। वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट भी सरकार की परेशानी में इजाफा करने वाली ही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी 5% की दर से सिकुड़ सकती है। इसका अर्थ है कि विकास दर 0 से भी 5% नीचे चली जाएगी। क्रिसिल ने अपने अनुमान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान जीडीपी में 25% की दर से गिरावट की आशंका जताई है। एजेंसी का अनुमान है कि फिर से वृद्धि दर की पटरी पर लौटने में 3 वित्त वर्ष का समय लग सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद से भारत ने 1958, 1966 और 1980 में मंदी का सामना किया है। साथ ही क्रिसिल का कहना है कि इस वित्त वर्ष में बेरोजगारी की समस्या भी गहराएगी। ऐसे में साफ है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर अर्थव्यवस्था को तेजी देने की कोशिश तो की, लेकिन मौजूदा हाल इतने खराब है कि ये पैकेज नाकाफी साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुसीबत से कैसे निपटती है और कैसे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।